नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय कुमार यश एग्रो लैब फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो कन्नड़ भाइयों हैं उनका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ रहा है और उतना रेट नहीं मिल रहा, और बेदाने की क्वालिटी यानी कि ग्रेप्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं मिल रही। इसलिए बहुत किसान भाइयों ने एक बात की और उन हमसे बोले कि थोड़ा हिंदी में बात किया तो अच्छा होगा, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि काड़ी की मैच्योरिटी कैसी होनी चाहिए और मैच्योरिटी का क्या फायदा होता है, और मैच्योरिटी अगर नहीं आई होगी तो उसके लिए क्या स्प्रे देना चाहिए, वो भी मैंने आपसे बात की। कम से कम 70% लीव्स यानी कि पान बगीचे के ऊपर है, ऐसा पकड़ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही है, मैं फिर एक बार आपसे एक विनती भी करता हूँ कि अपना जो संवाद चालू है वो ज्यादा से ज्यादा कन्नड़ भाइयों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम चालू हुई है कम से कम खर्चे में कैसा बगीचा आ सकता है ये दिखाने के लिए, और वो दिख भी रहा है, और बहुत से किसान वैसा खेती भी कर रहे हैं और उनको अच्छा फायदा भी मुनाफा भी मिल रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा कन्नड़ भाइयों में ज्यादा से ज्यादा कन्नड़ भाइयों को मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल शेयर कीजिए। क्या है, मैंने पिछले जून के वीडियो में बोला था, जून जुलाई के वीडियो में बोला था कि अंतर जो पीक करना है, वो जो धान बोलते हैं हम उसे, ताक ढेंचा जो कुछ भी हमने किया है वो निकाल कर अभी डालना है। 1 अक्टूबर की छटनी अगर करना है तो कम से कम 15 तारीख को पहले बगीचे में हमारा काम चालू होना चाहिए। इसीलिए बगीचे के अंदर का जो मशागत बोलते हैं हम उसको, हम जो कुछ भी हम रोटर रोटावेटर रहे करेंगे या ट्रैक्टर से थोड़ा हल्की मशागत करेंगे, लेकिन एक ध्यान रखना इसमें कि ज्यादा खोली पर यानी ज्यादा नीचे जाके मशागत नहीं करना, क्योंकि जो उसका जो आधार मूड़ी जो मेन मूड़ी हम उसको बोलते हैं वो टूटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो हम आगे जाके बेसल डोज दे रहे हैं वो बेसल डोज नहीं, वो मूली के आधार पर हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसने जो स्टोरेज जो बना कर रखा है खोड़ में स्टेम में वो वलांडे में काड़ी में, उसका हम इस्तेमाल करने वाले 23 दिन तक, 23 दिन के बाद हम उसका फिर एनालिसिस करके जो कुछ भी देना पड़ता है वो दे देंगे। अंतर मशागत करने के बाद क्या करना है हमें, खाली पानी जो बोध होता है बोध थोड़ा गीला करना है, थोड़ा गीला करना है, ज्यादा पानी नहीं देना या फ्लड पानी देना नहीं है। वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम एक अगले वीडियो में बात भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अभी जो पानी देना है वो खाली बूंदा यानी कि बोध खाली गीला होना चाहिए, बहुत गीला होना चाहिए ऐसा नहीं करना। और जो कुछ भी पानी दिया उसके ऊपर हम बेसल डोज दे देंगे। बेसल डोज कितना देना है, जो वाटर सॉइल और लीफ के एनालिसिस के बाद जो आएगा बेसल डोज उतना ही देना है, ज्यादा बेसल डोज देना नहीं है। क्यों नहीं देना है अगले वीडियो में हम आपसे उसके बारे में सविस्तर चर्चा भी करेंगे, पूरा उसके बारे में हम आपको बता देंगे कि बेसल डोज इस साल नहीं क्यों देना है। ध्यान में आया, खाली अंतर मशागत आपने थोड़ा हल्की मशागत आपने छोटा छोटा मशागत कर लिया, जो कुछ भी हमने ताक ढेंचा कर निकाल कर उसके ऊपर डाल दिया, नहीं तो रोटावेटर मार के पूरा कट करके थोड़ा मशागत कर दिया, और जित जो भी तननाशक हम यूज करेंगे उससे पूरा तन भी जितना भी है यानी कि जितना भी घास आया है वो पूरा चला दिया, और थोड़ा हल्का पानी दिया, बस इतना ही काम करना है बगीचे में। ध्यान में आया, इसके आगे के जो काम करना है वो हम आपको अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, उसको आपको बताएंगे। और एक फिर एक बार आपको विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हमारा जो संवाद है वो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।